अगर आप पूछोगे तो मार्केट में ट्रेड लेने का कोई परफेक्ट टाइम होता है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ यस होता है, ट्रेड लेने का टाइम होता है। या तो आप मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही ट्रेड कर लीजिए, या तो 12:30 के बाद सेटअप होने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप मॉर्निंग में 12:30 के बाद मार्केट में मोमेंटम होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए मार्केट में मोमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा तो आपको लॉस ही भरना पड़ेगा। पहले तो ट्रेड लेने के पीछे एक परफेक्ट टाइम होता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चार्ट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट जब भी एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास आता है तो मार्केट डायरेक्टली उस लेवल को ब्रेक नहीं करता, वहाँ से मार्केट फर्स्ट रिटर्न आता है और फिर सेम लेवल पे आने के बाद उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। आज के दिन मार्केट में ऐसे कुछ मोमेंटम देखने के लिए मिला। निफ्टी आज एक्जैक्टली रेसिस्टेंस लेवल 19,357 के पास ओपन हुआ था। आप बोलोगे ये रेसिस्टेंस लेवल कैसे हुआ, तो ये भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप निफ्टी का 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे, चार्ट ओपन होने के बाद टॉप पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रीवियस जो लो है उसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉप से लेके बॉटम तक हम एक फिबो लेवल ड्रॉ करेंगे, तो आपको 0.382 का लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट टाइम एग्जैक्टली वहां से मार्केट सपोर्ट लेके रिटर्न हुआ था, तो आपकी बार ये एज अ रेसिस्टेंस लेवल काम करेगा। मार्केट जब रेसिस्टेंस लेवल के पास ओपन हुआ तो वहां से मार्केट फर्स्ट रिटर्न नीचे आ गया। मार्केट नीचे आने के बाद फर्स्ट मार्केट को मैंने सस्टेन होने दिया और मार्केट जैसे ही सपोर्ट लेने लगा तो मैंने वहां पे ट्रेड ले ली थी। अब आप बोलोगे कि वहां पे सपोर्ट था, ये आपको कैसे पता चला? तो देखिए, आज मैंने निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस 19,300 सी में 300 क्वांटिटी के साथ बाइंग पोजीशन बना ली थी। 3 कंफर्मेशन के साथ हमने ये ट्रेड लिया था। फर्स्ट कंफर्मेशन की बात करेंगे तो मार्केट के सेंटीमेंट आज पॉजिटिव थे और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव था। सेकंड कंफर्मेशन ये था कि अगर आप 19,300 का सी का चार्ट ओपन करोगे और उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाएगा। और प्रीवियस डे के टॉप से सीधे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर से नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लगा था। थर्ड कंफर्मेशन की बात करेंगे तो अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई थी। इसी कैंडल का कंफर्मेशन लेने के बाद हमने ट्रेड लिया था। अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 918 पे मैंने 104 पे ट्रेड ले लिया था एंड 924 पे 122 पे एग्जिट किया था। अब हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। ट्रेड लेने के बाद जो प्रीवियस लो था उसके नीचे मतलब 101 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और जो टारगेट था 124 पे लगाया था। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ क्योंकि वन साइड मार्केट ऊपर गया था। टारगेट 124 का इसलिए लगाया था क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में इसी लेवल से रिटर्न हुआ था। जैसे ही मार्केट ने 123 का हाई लगाया और वहां से रिजेक्शन आने लगा तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि 124 पे रेसिस्टेंस लेवल है। तभी मेरा 122 पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था और आज मैंने 5,280 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया और अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।